ये है चरखी दादरी के झिंझर गांव के रहने वाले सुनील फोगाट। इन्होंने यूपीएससी की परीक्षा में ऑल इंडिया 77वां रैंक हासिल किया। सुनील फोगाट ने तीसरी बार में यूपीएससी की परीक्षा पास की है। पहली बार सुनील परीक्षा में बैठ नहीं पाए थे तो दूसरी बार इंटरव्यू में छट गए थे, लेकिन सुनील ने फिर भी हार नहीं मानी और तीसरी बार वो एक बार फिर से परीक्षा में बैठे और देश भर में 77वां रैंक हासिल कर लिया। इस दौरान उन्होंने सेना की नौकरी भी ठुकराई और लाखों के पैकेज भी छोड़ दिए। यूपीएससी के रिजल्ट जारी होने के बाद सुनील पहली बार अपने पैतृक गांव झिंझर पहुंचे तो वहां गांव वालों ने ढोल नगाड़े बजाकर स्वागत किया और जगह जगह सम्मानित भी किया। सुनील फोगाट ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि उन्हें आईएएस बनने की प्रेरणा कहां से मिली और उन्होंने इस परीक्षा को कैसे पास किया। सर, मैं बहुत खुश हूं इस मुकाम पे पहुंच के और मेरे पूरे गांव की महाराज सुखानंद महाराज की आशीर्वाद रहा, मेरे मम्मी पापा का दादा दादी का आशीर्वाद रहा और सब जो गांव वाले सब लोग हैं उन्होंने पूरा आशीर्वाद दिया, मुझे पूरा साथ दिया मेरा और आज मैंने सफलता हासिल करके बहुत खुशी प्राप्त हुई है। सर, बहुत समय आता था बीच में, यूपीएससी एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, लंबी प्रोसेस है और तीन स्टेज हैं इसमें, तुम प्रीलिम्स में मेंस में इंटरव्यू में कभी भी फेल हो सकते हो और उसके बाद जो डिमोटिवेशन आती है, जो निराशा आती है, उस टाइम कोई भी नहीं रहता तुम्हारे साथ, पर मेरे पापा जी थे वो मेरे को बार बार मोटिवेट करते रहते थे, मेरे से क्वेश्चन पूछते रहते थे, उनको जो भी सोर्स मिलता था वो मेरे साथ शेयर करते थे और कहते थे कि एक दिन तू कर लेगा, बस तू तैयारी करता रहे। और मैं यही कहना चाहूँगा जो भी इस चीज़ के लिए तैयारी कर रहा है वो अपना पूरा ध्यान और लगन से लगा रहे, एक न एक दिन उसको सफलता जरूर हासिल होगी। बेटे के बाद भी आपको लाखों का ऑफर मिला था, उसके बाद भी आपने उसे ज्वाइन किया? सर, यूपीएससी एक डाइवर्स सर्विसेज है जहाँ आपको पब्लिक का सेवा करने का मौका मिलता है, अपने लोगों के बीच में रहने का, उनके बारे में सीखने का मौका मिलता है, तो मैंने यूपीएससी के लिए तैयारी करने की सोची और मैं ये मैं युवाओं को कहना चाहता हूँ कि पढ़े लिखे और अपने देश के संवारने में अपना योगदान प्रदान करें और जो भी हो जितना भी हो समाज की सेवा करें, यही मेरा कहना होगा। सर, मैं सबसे पहला जो मेरा इश्यू रहेगा वो जो अपनी औरतें हैं, अपनी बहनें हैं, उनकी सुरक्षा इंश्योर करना, बिकॉज उनके अगेंस्ट क्राइम बहुत बढ़ रहा है धीरे धीरे, तो मैं उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहूँगा जो ऐसे सोशल एलिमेंट्स हैं जो उनको परेशान करते हैं। दूसरा, एजुकेशन पे ऊपर और हेल्थ के ऊपर, ताकि जो अपने आने वाली जनरेशन है वो बहुत आगे तक जा सके और अपना देश आगे बढ़ सके। मैं गांववासियों को हाथ जोड़ के बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा, वो आए, मेरा सम्मान किया, मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ के लिए और मेरे गाँव ने हमेशा मेरा साथ दिया है शुरुआत से लेकर आखिर तक, और मैं आगे जितनी होगी मैं इनकी मदद करने की कोशिश करूँगा जहाँ पे भी जैसे भी। सर, ये हमारे समाज का भी एक फेल्योर है अगर हमारा युवा नशे की तरफ जा रहा है, सरकार का भी फेल्योर है और उस युवा को भी खुद सोचना चाहिए कि नशे ना करके अगर वो खेल कूद में भाग ले या फिर ऐसे पढ़ाई में हिस्सा ले तो उसका परिवार वो खुद बहुत आगे निकलेगा, तो मैं उनको यही सलाह देना चाहूँगा नशे पते में न लग के अपना करियर बनाने की सोचें और जितना आगे हो सके उतना बढ़ें।